राहुल गांधी ने सात समंदर पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। अपमानित करते हुए कहा मोदी भगवान को भी समझाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही कहा बीजेपी से कोई सवाल जवाब क्यों नहीं करता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीतिश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बात मुद्दे की में। आज मुद्दे की बात में मुद्दा बने हैं राहुल गांधी और उनका पीएम मोदी को लेकर विदेश में बयान। बात इसी पर होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल्य के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये नियंत्रित कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहां राहुल ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इतना ही नहीं, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को लोगों के साथ शेयर करते हुए कहा मैंने जब ये यात्रा शुरू की थी तो 5 से 6 दिन बाद महसूस हुआ कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। हजारों किलोमीटर की यात्रा को पैदल तय करना बेहद मुश्किल दिख रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बताया मैं कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक रोजाना 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे थे। 3 हफ्ते बाद मुझे लगा कि अब मैं थक नहीं रहा हूं। मैंने लोगों से भी पूछना शुरू किया कि क्या वो थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका जवाब हाँ में नहीं दिया। उन्होंने कहा उस यात्रा में केवल कांग्रेस नहीं चल रही थी बल्कि पूरा भारत कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था। राहुल ने आगे कहा कांग्रेस के साथ अच्छी बात यह है कि हम सबके साथ हैं। कोई आकर कुछ बोलना चाहता है तो हम उसे सुनते हैं, हम गुस्सा नहीं होते, ये हमारा नेचर है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के बाद लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा बीजेपी मीटिंग में ऐसा सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता, ऐसा क्यों? आइए जानते हैं राहुल गांधी से पूछे गए सवालों का उन्होंने क्या जवाब दिया इसके बारे में। सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट पर बिल बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, भारत में महिलाओं की सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा वुमेन बिल के लिए हम कमिटेड हैं, हम पिछली सरकार में उसे लाना चाहते थे लेकिन कुछ हमारे सहयोगी पार्टियां उस पर तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अगली सरकार में लाने के लिए कमिटेड हैं। दूसरे सवाल पर कहूंगा कि अगर हम महिलाओं को शक्ति देंगे, उन्हें पॉलिटिक्स में लाएंगे, बिजनेस में जगह देंगे तो वो अपने आप सशक्त होंगी। अगला सवाल किया गया कि वन लैंग्वेज वन कल्चर वन ट्रेडिशन वन रिलीजन पर क्या कहेंगे। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट मिलेगा, हर राज्य की भाषा कल्चर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे संविधान में है। बीजेपी और आरएसएस इस इंडिया को अटैक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि तमिल भाषा तमिल लोगों के लिए एक भाषा से बढ़कर है। यह उनके लिए भाषा नहीं, उनका कल्चर है, उनके जीने का तरीका है। मैं कभी तमिल भाषा को थ्रेट नहीं होने दूंगा। तमिल भाषा को थ्रेट करना मतलब ऑडियो ऑफ इंडिया को थ्रेट करना है, किसी भी भाषा को थ्रेट करना भारत को थ्रेट करना है। आपको बता दें इस मामले में अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। जी हां, हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए बात मुद्दे की सिर्फ N27 न्यूज पर।
आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।